नमस्कार प्रिया जी, मेरी रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कोल्हापुरी गार्लिक भड़ंग बना रहे हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी, जायकेदार और चटपटी ऐसी डिश है ये। मिनटों में बन जाती है। दिवाली के मौके पे भी आप इसे झट से बना सकते हो। ये एक तरह की चिवड़ा रेसिपी है, जो हमारी शाम की छोटी सी भूख रहती है ना, उसके लिए परफेक्ट है और इसे आप मिनटों में बना सकते हो। तो चलो इस रेसिपी को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो मुझे झट से सब्सक्राइब कर दे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब का सिंबल क्लिक करना है और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर देना है। हमने गैस पे पैन रख दी है और उसमें हम तेल डालेंगे। तेल हम पहले ही थोड़ा सा ज़्यादा डालने वाले हैं, ताकि हम जो चीज़ें इसमें फ्राई करने वाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मूंगफली डालने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कप मूंगफली ली है और इसे हमें अच्छे से चटकने तक फ्राई करना है। देखिए, हमारी मूंगफली अच्छे से फ्राई हो चुकी है। हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने यहाँ पे रोस्टेड चना डाल ली है, ये भी एक कप है। इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई होने के बाद हम इसे भी, जिस प्लेट में हमने मूंगफली निकाली है उसी प्लेट में हम इसे भी निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने 10 से 12 गार्लिक की कलियाँ ली है, लहसुन की कलियाँ। इसे हमने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया है और इसे हमें लाल होने तक भून लेना है। इसमें एक चम्मच जीरा डाल रही हूँ मैं, साथ ही एक चम्मच मस्टर्ड सीड्स डाल रही हूँ। इसे भी हमें चटकने तक फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मैंने आधा कप करी लीव्स लिए हैं, जो अपना मीठा नीम रहता है ना, उसे हम इसमें डाल रहे हैं। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और 1/4 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। इसे हम थोड़ा सा चला लेते हैं। मसाले अच्छे से तेल में पकने चाहिए। उसके बाद ही हम इसमें जो ये कुरमुरा है, इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से हम इसे चलाते रहेंगे। ये पैन में थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने इसे एक पॉट में निकाल लिया है। जो हमने फ्राई की हुई चीज़ें हैं, जैसे मूंगफली है, रोस्टेड चना है, इसे भी हम इसमें डाल देते हैं। और ऊपर से हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से घुल जानी चाहिए, तब तक हम इसे मिक्स करेंगे। हम इसमें एक चम्मच कुटी हुई शक्कर डालेंगे। आप चाहे तो इसमें पाउडर शुगर भी डाल सकते हो। इससे ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा मीठापन, थोड़ा सा तीखापन, वो बहुत ही प्यारा लगता है इसमें। आप चाहे तो इसे इस तरह से हाथ से भी मिक्स कर सकते हो, क्योंकि जो हमने मसाले डाले हैं इसमें, वो सभी जगह पे अच्छे से लगने चाहिए और इस तरह से बहुत आसानी हो जाती है मिक्स करने में। अब हमारी भड़ंग तो रेडी हो चुकी है, पर इसे सर्व कैसे करते हैं इसे हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है और उसमें मैं ये भड़ंग डालने वाली हूँ। इस पे हम ऊपर से डालेंगे फरसान। आप चाहे तो बारीक सेव भी डाल सकते हो, जो आपको पसंद है उसे आप इसमें डाल सकते हो। ऊपर से हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसमें हम नींबू का छोटा सा पीस रखेंगे। इससे ना बहुत ही प्यारा ऐसा चटपटा स्वाद आता है। अगर आपको नींबू निचोड़ के नहीं डालना है तो आप इसमें नींबू सत्वे भी डाल सकते हो, वो भी अच्छा लगता है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इसे ज़रूर ट्राई करें, खुद खाएं, सबको खिलाएं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।